Now here's another opportunity. Will it get taken? Much better. What a great catch. ये कहानी है झुग्गी झोपड़ी से निकलकर महिला प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने जा रही ऑलराउंडर खिलाड़ी राधा यादव की। WPL के पहले सीजन के लिए महिला खिलाड़ियों की नीलामी हो गई है, जहां राधा को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 40 लाख में खरीद लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी राधा यादव अपनी सफलता की ऊंचाई पर खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी इस सफलता का सफर इतना भी आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली राधा बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 6 साल की उम्र से क्रिकेट की दीवानी राधा ने अपने क्रिकेट की ट्रेनिंग मुंबई में की, जहां उनके पिता ओम प्रकाश डेयरी के काम से जुड़े हुए थे और एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी राधा का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। पिता की डेयरी के काम और सब्जी की दुकान से क्रिकेट खेलने का खर्च तो दूर, घर का गुजारा भी बेहद मुश्किल था। ऊपर से लड़की होते हुए राधा को क्रिकेट खेलने के लिए रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के ताने भी सुनने को मिलते थे। इन सारी दिक्कतों के बावजूद पिता ने राधा के सपनों को पूरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधा ने अपने क्रिकेट के लगाव और मेहनत को कम नहीं होने दिया और 2018 में बाएं हाथ की स्पिनर के रूप में राष्ट्रीय टीम में अपना डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 22 साल की राधा ने भारतीय टीम के लिए अब तक 1 वनडे और 64 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 67 विकेट दर्ज हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23 रन देकर 4 विकेट लेना है। राधा ने बतौर गेंदबाज और बेहतरीन फील्डर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है और यही वजह है कि अब वह महिला प्रीमियर लीग में अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी।